प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल पाठशाला में। तो हमारे तीन चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्प्रेडशीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज ए लार्ज वर्कशीट लाइक ए पेपर शीट दैट डिवाइडेड इंटू रोज एंड कॉलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ी वर्कशीट होती है, लाइक ए पेपर शीट, एक पेपर शीट की तरह ही, दैट डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम, जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है। अब देखो नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है शीट का, ये एक्सेल शीट है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शीट होती है, एक बहुत बड़ी वर्कशीट होती है, काम करने वाली एक शीट होती है, एक पेपर शीट की तरह ही, जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है। ये देखो, ये ऊपर को सारे के सारे कॉलम्स हैं, ये ए के नीचे ये देखो कॉलम बना हुआ, बी के नीचे कॉलम, सी डी के नीचे कॉलम, ई के नीचे कॉलम, एफ जी एच, ये सारे नीचे कॉलम है, और ये जो इस साइड को होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ठीक है, और नीचे को होती है ये रोज। ठीक है, जैसे 25 तक है, 1 से लेकर 25 तक नीचे को हम इनको बोलेंगे रोज। ठीक है, और 1 से A1, AB1, C1, D1, ठीक है, ये इस तरह से यहाँ को हम बोलेंगे इनको कॉलम। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वर्कशीट है ये, काम करने वाली एक शीट होती है, एक पेपर शीट की तरह ही, जो रोज और कॉलम्स में बंटी हुई होती है। अब देखो उसका काम क्या होता है। इट प्रोवाइड वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, चार्ट्स एटसेट्रा फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड फॉर्मेट। अब देखो इसका काम क्या होता है। इट प्रोवाइड वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन मतलब पहले से इसके अंदर जो होते हैं बिल्ट इन, रेडीमेड फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस। इट प्रोवाइड वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस, ये बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हमें उपलब्ध करवाती है, चार्ट्स भी होते हैं इसमें एटसेट्रा इत्यादि। किस काम के लिए? फॉर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। किस चीज काम आते हैं, किस चीज के काम आता है ये? हमारे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के। ठीक है, हमने एमएस वर्ड सीखा था, एमएस वर्ड का काम था डाटा प्रोसेसिंग का, उसके अंदर हम करते थे रिज्यूम, लेटर्स वगैरह बनाना, ठीक है, न्यूज़पेपर के लिए मटेरियल्स टाइप करना, और भी बहुत सारे काम चल पड़ते हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन का काम हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए बनाई गई है हमारे लिए स्प्रेडशीट, एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही प्रोग्राम है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये प्रोग्राम है। ठीक है, एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डिजायर फॉर्मेट, और उस इन्फॉर्मेशन को हम अपनी इच्छा के अनुसार, हमारे जो जिस भी डिजायर मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेट में इसको सेव करके या स्टोर करके या संचित करके रख सकते हैं भविष्य के लिए। ठीक है, इस डाटा को हम भविष्य में इस्तेमाल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ स्प्रेडशीट क्या है, उसको कैसे रन करना है। हमने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोग्राम्स में जाएंगे हम, और यहाँ पे ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तरीके मैंने आपको मेथड बताए हुए रन करने के। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, इसके अंदर ही हमारा एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, ये देखो वर्ड 2013 इसके अंदर ही था, पावर पॉइंट भी है इसके अंदर ही, और इसका ये प्रोग्राम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल 2013। ठीक है, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही हमारा प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया। ये देखो ये हमारी स्प्रेडशीट। ठीक है, ये यहाँ को है सारे के सारे, ये ऊपर की तरफ को कॉलम्स है, पूरी की पूरी शीट जो है वो डिवाइड होती है हमारी रोज एंड कॉलम्स, और नीचे को ये रोज है। ये देखो यहाँ पे आपको ऐसे नजर आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा कि ये होती कितनी है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट, इसमें होती है शीट्स। ठीक है, एक शीट है ये देखो नीचे शीट आ रही है एमएस वर्ड में, डॉक्यूमेंट में नीचे चलते जाएं तो जैसे इंटरप्रेस करते चलेंगे तो नया डॉक्यूमेंट आ जाता है नीचे को। ठीक है, इसमें शीट्स बनती हैं, ये देखो ये प्लस पे क्लिक किया तो सेकंड शीट बन गई, फिर प्लस पे क्लिक किया तो ये थर्ड शीट बन गई, फिर प्लस पे क्लिक किया तो फोर्थ। इस तरह से हम यहाँ पे ढेरों मतलब
we can create a large number of sheets in a single worksheet. बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं हम एक ही वर्कशीट के अंदर, ठीक है? पूरी की पूरी जब हम सेव करेंगे तो एक पूरी की पूरी वर्कबुक बनेगी ये, ठीक है? तो एक वर्कबुक के अंदर हम बहुत सारी वर्कशीट्स को सेव करके रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे ये देखो ऊपर फाइल, इसके जो टैब्स है सेम वैसे ही है, इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज बटन बने हुए हैं, ठीक है? इंसर्ट बना हुआ है जहाँ से हमने टेबल्स वगैरह इंसर्ट करने हो या चार्ट्स वगैरह इंसर्ट करने हो, टेक्स्ट बॉक्सेस सेम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर था, पेज लेआउट है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एमएस वर्ड में अच्छी तरह से समझाई हुई। इसके अलावा इसमें अलग चीज़ें आती हैं फार्मूलाज, क्योंकि इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन का काम होता है तो इसमें फार्मूलाज का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है? डाटा का भी इसमें नया है, ये रिव्यू और ये व्यू, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हैं ऑप्शंस, ठीक है? ये होम टैब, होम टैब के अंदर सेम वैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। यहाँ पे हमने जो कुछ लिखा, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डिजिट्स और इनकी कैलकुलेशन का काम जो है वो तो अलग, इनकी बात की बात है। इससे पहले हम बात कर रहे थे फॉर्मेटिंग की, तो ये देखो फॉर्मेटिंग सेम कलरिंग वैसे ही है, बैकग्राउंड का कलर, फोरग्राउंड का कलर, बोल्ड करना है बोल्ड करो, इटैलिक करना है इटैलिक करो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन करो। के अलावा यहाँ पे स्टाइल्स हैं, इसके दिए हुए स्टाइल्स चेंज करो, ठीक है? ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। बाकी इसमें नई चीज ये है कि इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, जैसे मान लो हमने इनका का जोड़ करना है तो यहाँ पे ऑटो सम है हमारे हमारे पास इसके लिए, जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखो 144 इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया, यानी कि शीट का सबसे बड़ा काम तो यही है, ये हमारी कैलकुलेशन के काम को आसान करती है। और ये काम जो करती है अब वो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि किस तरह से और क्या क्या काम करती है हमारी स्प्रेडशीट। व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस प्रिपेयर इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं, किस किस तरह के काम जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन स्प्रेडशीट, ऑल काइंड ऑफ सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर करके रखी जा सकती है। फर्स्ट है एनुअल रिपोर्ट्स, पूरे साल की वार्षिक जो भी प्रतिलिपियां जो होती हैं हमारी, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी जो है हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं पूरे साल की रिपोर्ट्स। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है पेरोल, इंप्लॉय सैलरी, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट के हैं, सबकी जो सैलरीज की जो प्रिपेरेशन है वो यानी कि पेरोल्स हैं वो एक्सेल शीट के अंदर बनते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का काम जो फटाफट होता है, तेजी से इसके अंदर कैलकुलेशन का काम होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट आता है इनकम एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन, और जो सैलरीज बनती हैं उस सैलरी के ऊपर कितना टैक्स बनेगा, ये भी सारी कैलकुलेशन जो है वो इस एक्सेल शीट के अंदर होती है, ठीक है? इनकम एंड इनकम टैक्स कैलकुलेशन। उसका फोर्थ आ गया साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसके अलावा जो वैज्ञानिक होते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी रिसर्च से संबंधित जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों के ऊपर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो भी इसकी लिए इन्हीं की हेल्प लेते हैं, इन्हीं एक्सेल शीट्स की, इन्हीं वर्कशीट्स की हेल्प लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है बिल्स और इनवॉइसेस, बिल और इनवॉइस, ठीक है? बिल्स और इनवॉइसेस यानी कि जो दुकानदार होते हैं वहाँ दुकानदार भी अपने जो दुकान में मटेरियल रखा होता है खरीददारी या वो खुद खरीदते हैं या बेचते हैं वो उनका भी हिसाब किताब जो है वो इनके अंदर ही रखते हैं, एक्सेल शीट के अंदर ही रखते हैं, बिल्स और इनवॉइसेस भी वो इनके अंदर ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? सिक्स पॉइंट आ गया लोन एनालिसिस, यानी कि लोन का मतलब उधार से संबंधित विश्लेषण जो है। अब देखो उधार देना हो किसी भी बैंक ने देना हो, कंपनी ने देना हो या किसी से भी लेना हो तो उसका हिसाब किताब भी इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है? कितना दिया है, कितना उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो इन स्प्रेडशीट के अंदर ही होती है, इसलिए पूरी दुनिया भर में स्प्रेडशीट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए तो दो क्वेश्चन ही काफ़ी थे, कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।